हमारे अपने चैनल प्रेगनेंसी एंड वीमेन किए हुए ज्योति में। तो लास्ट मैंने आपको बताया था कि पीसीओडी से मैंने बहुत सफ़र किया है और सफ़र की वजह से मेरी जो प्रेगनेंसी है उसे कंसीव करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई और कितना मुझे टाइम लग गया और मैं कैसे फिर प्रेग्नेंट हुई और आगे की मेरी जर्नी कैसे थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब मेरे को पीसीओडी डायग्नोस हुआ, पहले तो हमने फर्स्ट ईयर ट्राई किया, 1 ईयर तक हमने जब ट्राई किया तो मैंने उस समय अपना कोई टेस्ट नहीं कराया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे शायद पीसीओडी है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मुझे है। तो फिर हमने 1 ईयर के बाद हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उसने हमारे जा मेरे को ज़्यादा कुछ टेस्ट नहीं लेके पहले उन्होंने मेरे ही टेस्ट बोले। तो एक सिंपल सा उन्होंने मेरा लोअर अपडामिन का अल्ट्रासाउंड लिखा, जिसमें मेरा ओवरी या कोई फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत है, इन सब का एक जनरल सा एक जो मेरा जनरल चेकअप था अल्ट्रासाउंड वो कराया गया। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में मेरा पीसीओडी डायग्नोज हुआ कि मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो फिर मेरे को डॉक्टर ने ट्रीटमेंट ज़्यादा, फिर भी उस समय मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया क्योंकि इंसुलिन का जो लेवल है वो पीसीओडी में क्या होता है, अप एंड डाउन होता है, और आपका इंसुलिन बॉडी में इतना ज़्यादा नहीं बन पाता है जितना आपकी बॉडी को चाहिए होता है। तो जिसकी वजह से मेरी एक मेडिसिन स्टार्ट की गई जो मेरे इंसुलिन को रेगुलेट करेगी और इंसुलिन को बढ़ाएगी। तो वो मेडिसिन दी गई, और एक जर्नल से जो फॉलिक एसिड की एक जो दवाई दी जाती है 3 मंथ्स के लिए, किसी को 6 मंथ के लिए, वो मुझे प्रिस्क्राइब की गई। तो वो जब मैंने दवाई ली तो उससे मुझे बाकी पीसीओडी को कंट्रोल करने के, ओवरी में जो भी मेरे सिस्ट थे उनको रिमूव करने की या उनको हटाने की, वो कोई भी मेडिसिन मुझे नहीं दी गई। क्योंकि मैं आई वॉज ट्राइंग फॉर अ प्रेगनेंसी, मैं कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी, तो मुझे डॉक्टर ने कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की। ओनली आई हैड ऑन माई शुगर टैबलेट एंड फॉलिक एसिड ओनली फॉर द प्रेगनेंसी, बिफोर द प्रेगनेंसी। तो उस मुझे सिर्फ 2 ही दवाइयाँ दी गई। फिर मैंने उसके थ्रू, मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि यू हैव टू स्टॉप योर मैदा एंड बेकरी प्रोडक्ट्स एंड द फ्राइड फूड, जो भी आइटम्स आप लेते हैं तो आपको सडनली उसको कट डाउन करना है अपनी डाइट से, एंड यू हैव टू फॉलो द हेल्दी डाइट। एंड एज यू नो कि हेल्दी डाइट क्या होती है, हेल्दी डाइट इट इंक्लूड्स ओनली वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट एंड नो फ्राइड फूड एंड नो आउटसाइड फूड, जो भी हमारे बाहर के आइटम्स होते हैं उसको अवॉइड करना, और हेल्दी डाइट और फ्रूट एंड वेजिटेबल पर ना, ये वाली डाइट थी। एंड वॉकिंग इंपॉर्टेंट थी, पानी बहुत ज्यादा पीना था। और जो हेल्दी डाइट है उसमें क्या है कि आपको प्रॉपर खाना लेना है, आपको ऐसा नहीं करना कि आप थोड़ा थोड़ा मील ले रहे हैं, आपका पेट जो है वो भरा हुआ होना चाहिए और खाली खाली पेट नहीं होना चाहिए। कि जो पीरियड जो होते हैं ना हमारे, वो इसलिए भी मिस होते हैं क्योंकि हम अपना जो भी खाना होता है उसमें हम काफ़ी गैप ला देते हैं, या हम भरपूर खाना भर पेट खाना नहीं खाते हैं, पानी की इतनी अमाउंट नहीं लेते जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। कम से 8 से 10 ग्लास पानी तो हर महिला या पुरुष हो सबको पीना ही चाहिए, इतना पानी आपकी बॉडी में जाना ही चाहिए। तो पानी बहुत सारी चीज़ों को ठीक करता है, जो भी हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट, जो भी इतनी गंदगी होती है, जो भी वो पानी के थ्रू यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और हमारा जो भी बॉडी के अंदर जो भी गंदगी जो भी होता है वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाता है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसी पर रही और मैंने यही सब किया। तो उसके मेरे फिर भी मेरे को टाइम लगा, मेरे को 1.5 साल लग गया, मैंने फिर कंसीव किया। देन मेरी फिर क्या हुआ कि सडन मेरी एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई, जो मेरे प्रेगनेंसी टेस्ट में नहीं शो, मतलब शो नहीं हुई। जो मेरा एक सेकेंड लाइन एक दूसरी लाइन होती है वो लाइट पिंक आई, मतलब तब पता चल गया कि जो है मेरी प्रेगनेंसी है। बट जब मेरे को डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा तो उस अल्ट्रासाउंड में मेरी यूट्रस में कोई भी बेबी सेक जो होता है सेक नहीं आया, और डॉक्टर को भी ये चीज़ बहुत अजीब लगी कि मेरे को प्रेगनेंसी है बट यूट्रस में कुछ भी शो नहीं हो रहा है। बिकॉज बेबी के ग्रो होने की जो राइट प्लेस है वो यूट्रस है, बट अल्ट्रासाउंड में यूट्रस में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जब यूट्रस में कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो फिर फैलोपियन ट्यूब को चेक किया गया। जैसे एज वी नो डैट कि जो हमारी बॉडी में एक महिला की बॉडी में जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो 2 होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, है ना। राइट एंड लेफ्ट में मुझे मेरी फैलोपियन ट्यूब को जब चेक किया गया तो जो मेरी लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में वहाँ पे बेबी ग्रो हो गया था, इवन उसकी हार्ट बीट भी आ गई थी। और तब की जो फैलोपियन ट्यूब है वो राइट प्लेस नहीं है,
और जो राइट प्लेस है वो सही जगह वो यूट्रस है बेबी के ग्रो होने की। तो फैलोपियन ट्यूब तो बहुत छोटी सी है, जैसे जैसे बेबी ग्रो होगा तो वो फट जाएगी, तो उससे क्या होगा उसका, आपकी जान भी जा सकती है, वो हेल्थ वो लाइफ का एक रिस्क भी है, लाइफ के लिए भी डेंजरस है। तो तभी मुझे सडन उसी डे जब मेरा डायग्नोज हुआ, तो मुझे 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 हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहाँ पे मेरे सारे टेस्ट दोबारा से किए गए। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि जो टैबलेट के थ्रू मेरी प्रेगनेंसी को नहीं हटाया जा सकता, तो जो मेरा एक्टॉपिक सर्जरी है, जो लेज़र के थ्रू एक सर्जरी होती है जो नेवल के थ्रू आसपास कट लगा कर किया जाता है, वो की गई। और वो वाला टाइम थोड़ा सा मेरे लिए इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन वाला टाइम था, तो वो वाला जो टाइम था वो पीरियड थोड़ा सा इमोशनली बहुत डिस्टर्बेंस, माइंड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद जो टॉपिक प्रेगनेंसी के बाद फिर कंसीव करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर मैंने कैसे कंसीव किया तो मैं आपको नेक्स्ट अपने ब्लॉग अपनी वीडियो में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ आप पूरा वॉच कीजिए, और जो मेरी पहले की वीडियोस हैं उनको भी प्लीज़ देखिए, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी दी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे कोई भी क्वेश्चन हो तो